अर्ज किया है, टी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री की जान, टी रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री की जान, और प्रिंस सर के साथ ट्रिग्नोमेट्री की कहानी हो जाएगी आसान, बोलो बाबा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप लोग का मैथ्स मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कंसेप्ट को पढ़ लेने के बाद इस पे बेस्ड अलग अलग वैरायटी के सवालों को हम सॉल्व कर रहे थे। तो अपनी इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और धांसू और शानदार सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। अब ये रहा सर हमारे लेक्चर का सबसे पहला सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इफ sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4, वेरीफाई डेट tan अल्फा बाई 1+tan² अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा बाई sec अल्फा। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल ने हमें यहां पे sec अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड ये साबित करने को कह रहा है, ये प्रूफ करने को कह रहा है, ये वेरीफाई करने को कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में LHS और RHS आपस में इक्वल होंगे। कुल मिला के सवाल की कहानी यह है कि यहां पे गिवन डेटा के रूप में हमें कोई एक पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड हमें यह साबित करके दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि इस सिचुएशन में tan अल्फा बाई 1+tan² अल्फा की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू sin अल्फा बाई sec अल्फा के वैल्यू के बराबर होगी। सर तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी और ये भी समझ में आ रहा होगा कि टाइप 2 वाली वैरायटी है जिसको टैकल करना जानते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर लेंगे। सर क्रिएट कर लिया, अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो कहोगे सर पंडित जी ने नामकरण प्रोवाइड नहीं किया है, कोई बात नहीं सर हम खुद से नामकरण कर लेंगे। तो खुद से कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि नामकरण के हिसाब से किस वर्टेक्स को ए, किस वर्टेक्स को बी, किस वर्टेक्स को सी बोला जाए। तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि नामकरण किसने किया। कहोगे सर हमने किया। तो जब नामकरण हमने किया है तो किस वर्टेक्स को क्या बोलना है ये भी हम ही डिसाइड करेंगे। यानी कि आप रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी बोल सकते हो। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इस वाले वर्टेक्स को ए, इस वाले को बी और इस वाले को सी बोल देते हैं। तो ट्रायंगल बना लिया सर, ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया। अब अगेन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये जो अल्फा है सर ये मेरे ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल मिलना ही मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा सर, कब मिलेगा सर? तो कहोगे कि मेरा ये वाला एंगल मेरे ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल तब मिलेगा जब या तो मैं इसको अल्फा बना दूं या तो मैं इसको अल्फा बना दूं। सर तो किसको अल्फा बनाना है ये प्योरली आपकी मर्जी होने वाली है। मान लो बिल्कुल रैंडमली अवेलेबल चॉइसेस में से मैं यहां पे एंगल ए को अल्फा बना देता हूं सर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपने टारगेट एंगल को फिक्स कर लिया तो PBH की कहानी भी फिक्स हो गई। मार करिए, तुरंत कहोगे सर कि 90 के सामने वाला अपोजिट साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस, अल्फा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। अब बारी है अपने गिवन डेटा को एनालाइज करके यहां पे अपने गिवन डेटा की मदद से ट्रायंगल के दो साइड्स निकालने की। निकाल लेते हैं सर। तो मुझे गिवन है sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4। PBH के टर्म्स में sec की कहानी जानते हैं क्या होती है सर। तो मुझे पता है sec होता है cos का रेसिप्रोकल, यानी कि सर PBH के टर्म्स में हो जाएगा H/B हाइपोटेनियस बाई बेस। तो ये वैल्यू 5/4 के इक्वल है। तो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन करके मुझे अपने ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और बेस की लेंथ निकल के आ जाएगी। निकाल लेते हैं, तुरंत कह देंगे सर मेरे ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा 5 के यूनिट्स का। अगेन कहोगे सर ट्रायंगल का जो बेस होगा वो होगा 4 के यूनिट्स का।
अब ये जो ट्रायंगल के तीन में से दो साइड्स निकल के आए हैं उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर फिगर में। तो हाइपोटेनियस आया है 5 के, रिप्रेजेंट कर लिया। अगेन कहोगे सर बेस आया है 4 के, इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये जो ट्रायंगल का रिमेनिंग साइड है इसकी भी लेंथ निकाल लेंगे पाइथागोरस की मदद से। अब देखो सर ना, आपका दिमाग हर समय चलते रहना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि 4-5 के कॉम्बिनेशन वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है उसमें तीन भी आता है, यानी कि पहले से आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये 3K यूनिट्स का होगा। लेकिन एग्जाम में हर चीज अच्छे से लिख के बनानी होती है, तो अच्छे से लिख के बनाएंगे, लेकिन सर ये वाली बात पहले ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि ये लेंथ होगी 3K यूनिट्स की। ठीक है सर, तो मुद्दे पे लौटते हैं यहां पे। तो प्रॉपर प्रोसेस से चलें सर, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कह दोगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या है सर, तो मुझे निकालना है पी, तो कह दोगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से कह देंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर, तो एच है 5K यानी इसका स्क्वायर, माइनस बी है 4K यानी कि इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर, तो इसको अगर अच्छे से सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाएगा सर 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर 9K स्क्वायर सर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3K यूनिट्स। यानी कि सर हमने यहां पे अपने ट्रायंगल में रिमेनिंग साइड की भी लेंथ निकाल ली, इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर आ गया 3K यूनिट्स का, रिप्रेजेंट कर लिया सर। अब एक बार ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल गए, अब कुछ भी दुनिया में पूछा जाए सब कर सकते हैं सर, पहले इतना नोट डाउन करो। क्लियर है? अब थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ध्यान से यहां पे सुनिएगा क्योंकि आगे सॉल्व करने के लिए अब जगह चाहिए होगी और बोर्ड पे जगह हो गई थी खत्म। तो ध्यान से सुनना सर, अब आगे की कहानी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हो यहां पे, ध्यान से सुनना। देखो सर, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस टाइप के प्रूफ डैट वाले सवाल बनते हैं ना, इन सवालों के लिए सीधे सीधे आपको दिमाग में रखना है कि करोगे क्या यहां पे प्रूफ डैट के लिए, कहानी के लिए क्या करोगे। तो कहोगे सर सिंपल सा लॉजिक है कि इस वैल्यू की मदद से ट्रायंगल के तीनों साइड पता चलते हैं और उसके बाद अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से जो भी टी रेशियोज है उनकी वैल्यू हम पुट करते हैं और उसके बाद ही LHS RHS बराबर दिखाते हैं सर। अब देखो सर, सिंपल सा फंडा यह है, सिंपल सा लॉजिक यह है कि कभी भी एक्सप्रेशन में प्रूफ डैट इस टाइप का हो कि कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख के बराबर कोई वैल्यू दे दे, यानी कि समझना बात को, मान लो ऐसा लिख दिया साइन इंटू कॉस बाई टेन, कुछ भी इस तरीके का लिख दिया सर, और कह दे ये वाली चीज किसी वैल्यू के बराबर होगी, तब आप आसानी से क्या कर लोगे सर, तो अपने LHS में वैल्यू पुटिंग करोगे और वैल्यू बराबर दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे कि हमने सीखा है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज से आसान चीज पे जाना ज्यादा इजी मेथड होता है। लेकिन कभी भी इस टाइप की सिचुएशन जब बनती है, जब आपके LHS RHS में दोनों साइड एक्सप्रेशन हो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि आप एरी चोटी का भी जोर लगा लोगे, उसके बाद भी कभी भी यहां से यहां नहीं जा सकते, यहां से यहां नहीं जा सकते। यानी कभी भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है जहां पे LHS RHS दोनों ही साइड टी रेशियो का कॉम्बिनेशन हो, यानी ऐसा कुछ ना हो कि एक तरफ टी रेशियो का कॉम्बिनेशन है एक तरफ वैल्यू है। अगर ऐसा ना हो सर, दोनों ही साइड टी रेशियो के कॉम्बिनेशन हो, तो तुम कुछ भी कर लो सर, आप LHS से स्टार्ट करके RHS को प्रूव नहीं कर सकते, आप RHS से स्टार्ट करके LHS को प्रूव नहीं कर सकते। आपको हमेशा इस टाइप के सिचुएशन में कॉमन ग्राउंड का ही रास्ता लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। क्योंकि लॉजिक की बात है, जब आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करोगे सर, तो यहां पे ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी ये कोई ना कोई वैल्यू होगी ना सर, तो वैल्यू से यहां पे कैसे पहुंचोगे, नहीं पहुंच सकते। अगेन सर, अगर आप यहां पे इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी एक वैल्यू आएगी। तो सर सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि इस टाइप के सिचुएशन में, क्योंकि दोनों ही पोर्शन से वैल्यू आनी है, तो कॉमन ग्राउंड के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यानी कि इस टाइप की सिचुएशन जब बनती है, जब LHS RHS दोनों ही तरफ आपके पास टी रेशियो के कॉम्बिनेशन हो,
तो हमेशा हमें कॉमन ग्राउंड वाला ही रास्ता लेना है, क्योंकि ये भी वैल्यू देगा, ये भी वैल्यू देगा, तभी तो जाके वैल्यू वैल्यू के बराबर होगी, तो हम LHS RHS बोल पाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि इस टाइप के सिचुएशन में आप LHS से RHS पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप के सिचुएशन में आपको कॉमन ग्राउंड का ही सहारा लेना है। फटाफट पहले इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। अब ये बात जब आपको समझ में आ गई है तो अपने प्रूफ डैट में आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको इतना पता है सर कि कॉमन ग्राउंड का सहारा लेना है। अब कॉमन ग्राउंड के सहारे में भी आप दो तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले तरीका नंबर एक ये हो सकता है सर कि आप अपना LHS अलग उठाओगे, एक ही बार में पूरी PBH की कहानी के टर्म्स में सब कुछ लिख लोगे, लास्ट में सिंप्लीफाई करके PBH की कहानी पुट कर दोगे, वैल्यू निकालोगे, सेम चीज इस तरफ करोगे, फिर इक्वेशन वन और टू को इक्वल दिखा के LHS RHS इक्वल कर लोगे। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अपने एक्सप्रेशंस के हिसाब से पहले ही तुम अपने काम के टी रेशियोज की वैल्यू निकाल के रख लो, उसके बाद फिर प्रूफ करना। दोनों में से किसी मेथड से बढ़ सकते हो, हम दोनों ही मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले अब मेथड नंबर वन देखो यहां पे। तो मान लो सबसे पहले LHS को उठाते हैं सर, तो LHS की कहानी में यहां पे है tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो पूरी कहानी को PBH के टर्म्स में कन्वर्ट कर ले तो कहोगे सर tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 प्लस परपेंडिकुलर बाई बेस का होल स्क्वायर, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे सर तो परपेंडिकुलर बाई बेस डिवाइडेड बाई नीचे डायरेक्टली लिख रहा हूं सर 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है सर, ब्रैकेट ओपन किया तो स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए सर तो ये यहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस होल डिवाइडेड बाई, यहां पे एलसीएम वेलसीएम अच्छे से ले लेंगे सर तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा सर आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बुद्धि चलनी चाहिए, बुद्धि चलाते रहना बहुत जरूरी है मैथ्स के पेपर में। देखो बुद्धि आपकी चलनी चाहिए सर कि एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि तुम p की वैल्यू पुट करोगे, b की वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे, लेकिन आपकी बुद्धिमानी अगर चलती तो आपको दिखता सर कि p स्क्वायर और b स्क्वायर का जो सम होता है वो h स्क्वायर के बराबर होता है, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी सर। तो ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व होनी चाहिए। तो h स्क्वायर बाय नीचे हो गया आपका b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं सर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस डिवाइडेड बाई दिस बाय दिस, तो डिवाइडेड बाई दिस बाय दिस से यानी इसी को मैं लिख सकता हूं इन टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब एक बी से एक बी कटा, आपके पास आ रहा है पी इन टू बी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब कर लीजिए सर वैल्यू पुटिंग, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ गया। तो परपेंडिकुलर है 3k यूनिट्स का, इन टू बेस है 4k यूनिट्स का, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो सर 2k से नीचे का 2k कट गया, आपके पास आ रहा है 4 × 12/25 इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपका LHS। पहले तरह नोट डाउन करो। ठीक है सर, अब इक्वेशन नंबर 2 यानी कि सर अपने RHS वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। फटाफट पहले नोट डाउन कर लो, ध्यान से देखना यहां पे सर। तो यहां पे अपने RHS वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर RHS वाले पार्ट को यहां पे सिंप्लीफाई कर लें सर तो आप तुरंत यहां पे बोल दोगे कि सर RHS बराबर है, RHS बराबर है साइन अल्फा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई सेक अल्फा। ठीक है सर, अब देखो PBH के टर्म्स में रख लें तो साइन अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई, अब देखो सेक अल्फा को PBH के टर्म्स में रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आपको सेक अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, सीधे यूज करो सर। तो सीधे यूज करेंगे तो ये गिवन है 5/4। अब करो वैल्यू पुटिंग। तो परपेंडिकुलर कितना है सर, कह दोगे परपेंडिकुलर है 3k डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस से सर आपका 5k लिख लिया, ये होल डिवाइडेड बाई 5/4 हो जाएगा। समझ में आया क्या, यहां पे बिल्कुल आना चाहिए सर। ठीक है, कैसे k गया, यानी अल्टीमेटली मेरे पास निकल के यहां पे आ रहा है सर 3/5 डिवाइडेड बाई यहां पे आपके पास 5/4। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए सर तो 3/5 डिवाइडेड बाई 5/4 यानी कि इनटू 4/5,
यानी कि ये आ रहा है सर 12 बटे 25 फिर से इक्वेशन नंबर टू. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू LHS बराबर RHS प्रूव हो गया. फटाफट कहानी नोट डाउन करिए. ठीक है सर, तो ये हमने यहां पे मेथड नंबर वन देखा सॉल्व करने का. अब सॉल्व करने का मेथड नंबर टू भी देख लेते हैं स्क्रीन क्लियर करके, ध्यान से सुनिएगा. तो मेथड नंबर टू के अंतर्गत क्या करेंगे सर? तो कहोगे मेथड नंबर टू के अंतर्गत सर हम यहां पे अपने अवेलेबल एक्सप्रेशन के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन से टी रेशियोज की जरूरत है, उनकी वैल्यू पता कर लेंगे पहले ही. तो ये काम कर लेते हैं सर यहां पे, ध्यान से सुनना. तो इस काम को यहां पे कर लें तो मेथड नंबर टू की कहानी ऐसी है कि मुझे टैन चाहिए सर पहले. तो टैन अल्फा पीबीएच के टर्म्स में जानते हैं सर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 3k बाई 4k. तो 3k यूनिट्स बाई 4k यूनिट्स, k से k गया, वैल्यू आ रही है 3 बाई 4. तो सर tan चाहिए था, tan निकाल लिया. सर कहोगे sin चाहिए है, sin भी निकाल लेते हैं. PBH के टर्म्स में हो जाएगा sin परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो जाएगा 3k बाई 5k, 3k यूनिट्स बाई 5k यूनिट्स, k से k गया, वैल्यू आ रही है 3 बाई 5. क्लियर है कहानी? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सर. अब देखो sec ऑलरेडी गिवन है, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे काम के टी रेशियोज मेरे पास हैं. अब यहां पे एनालिसिस को शुरू कर सकते हैं, कॉमन ग्राउंड वाली कहानी शुरू कर सकते हैं. पहले LHS को उठाते हैं सर. तो LHS आपको यहां पे गिवन है tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. ठीक है सर, वैल्यू पुटिंग करते हैं यहां पे. तो tan अल्फा है 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करें सर तो यहां पे कहानी हो जाएगी 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस 9 बाई 16. ठीक है सर, यानी इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 बाई 4 होल डिवाइडेड बाई LCM लेके दिमाग में ही सीधे सिंप्लीफाई करते 16 प्लस 9 25 बाई 16 हो जाएगा. सिंप्लीफाई करें सर तो 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई दिस यानी कि इंटू 16 बटे 25 यहां पे हो जाएगा सर. ये कहानी सभी को क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए. तो यहां पे क्या दोगे सर? 4 चौके 16 यानी 4 तिया 12 बटे 25 इक्वेशन नंबर 1. आपको दिख रहा है यहां से भी सेम कहानी आ रही है. नोट डाउन करो सर. LHS निकाल लिया. अब RHS के साथ खेलते हैं तो ध्यान से सुनना. यहां पे RHS के साथ यहां पे खेल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर. उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया था. ठीक है, तो RHS की कहानी देख लेते हैं. बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा RHS की कहानी, प्रिंस सर की जुबानी. ठीक है सर, तो अगर RHS की कहानी पे आया जाए सर तो RHS बराबर है आपका यहां पे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई sec अल्फा. ठीक है सर, यही है, वैल्यू पुटिंग करते हैं. साइन अल्फा ऑलरेडी निकाल लिया है सर 3 बाई 5 होल डिवाइडेड बाई sec अल्फा गिवन है सर डायरेक्टली 5 बाई 4. सिंप्लीफाई करें सर तो हम तुरंत यहां पे कह देंगे, हम तुरंत यहां से यहां पे कह देंगे सर कि हो जाएगा 3 बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 बाई 4 यानी कि इंटू 4 बाई 5 जो कि आ रहा है 12 बटे 25 इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से अगेन मुझे दिख रहा है सर LHS RHS आपस में इक्वल होंगे. फटाफट नोट डाउन करिए. तो एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड से बना सकते हो. अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट मजेदार चीज याद रखना जो कि आगे काम आएगी कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है sec स्क्वायर अल्फा. डायरेक्टली याद रखना सर कि आपका एंगल कुछ भी हो, गधा घोड़ा हाथी, फर्क नहीं पड़ता है. 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को तुम sec स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये आगे जाके हम आइडेंटिटी के तौर पे पढ़ने वाले हैं सर कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा sec स्क्वायर अल्फा होता है. इसी वजह से आपको थोड़ा सा मेथड नंबर 1 में रिकॉल होना चाहिए कि जब अपने डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर रहे थे तो ये आ रहा था 1 प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर. LCM लेने के बाद ये बन रहा था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर. याद करिए हमने देखा था सर कि ये बन जा रहा था h स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी कि h बाय b का होल स्क्वायर. और h बाय b होता क्या है सर? कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सर ये sec ही तो होता है, sec स्क्वायर अल्फा. देखो आगे सर, तो ये आगे जाके एक बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बनेगी, दिमाग में रखिएगा. फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं.
अब यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपका होमवर्क रहेगा मेथड नंबर 1 से बनाना अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ। मैंने प्रेजेंटेशन में मेथड नंबर 2 की कहानी दिखाई है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले अपना ट्रायंगल बना लेंगे, सिचुएशन के हिसाब से नामकरण कर लेंगे। अब ये जो किया इसको लिख के बताएंगे। कंसिडर अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल डेट बी, और आपने अपने टारगेट एंगल को क्या माना है ये बताओगे, एंड एंगल ए बराबर अल्फा। अब इसके बाद गिवन डेटा को एनालाइज करने की बारी, एनालाइज किया और अपने ट्रायंगल के दो साइड्स के बारे में पता किया, उसके बाद पाइथागोरस की मदद से तीसरे के बारे में भी पता किया, सारे साइड्स को फिगर में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मेथड नंबर 2 से बना रहे हैं सर, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम के टी रेशियोज की वैल्यू पता कर लेंगे। उसके बाद LHS को उठाएंगे सर, एक कॉमन ग्राउंड पे छोड़ देंगे। अगेन कहोगे सर RHS को उठाएंगे, एक कॉमन ग्राउंड पे छोड़ देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख के पता लग रहा है सर दोनों आपस में इक्वल हैं, तो LHS RHS आपस में इक्वल है, ये लिख लेंगे। फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखो कोई भी प्रूफ डेट का सवाल हो ना, तो लास्ट में उस चीज को लिखकर हेंस प्रूव्ड जरूर लिखना। तो लास्ट में इस चीज को लिखकर हेंस प्रूव्ड जरूर से लिखेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, पहले ये और उसके बाद ये, क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan theta - 5 cos theta / sec theta + 4 cot theta। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल ने हमें यहां पे साइन थीटा की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, उसके बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। कुल मिला के सवाल की कहानी कुछ इस प्रकार है कि गिवन डेटा के रूप में मुझे यहां पे कोई एक पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, उसके बाद सवाल हमसे अपने गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड 4 tan theta - 5 cos theta / sec theta + 4 cot theta की वैल्यू पूछ रहा है सर। तो एक्सप्लेनेशन की कहानी सभी को क्लियर हो गई होगी, इसके साथ साथ ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो सवाल है ये टाइप 2 वाली वैरायटी में नॉर्मल वाली वैरायटी का है, जिसको टैगल करना जानते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे, रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो कहोगे कि सर पंडित जी ने ट्रायंगल का नामकरण प्रोवाइड नहीं किया है, कोई बात नहीं हम खुद से नामकरण कर लेंगे। तो खुद से नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, मान लो बिल्कुल रैंडमली डिसाइड करते हैं अपने ट्रायंगल के लिए नामकरण, ट्रायंगल ABC। अब मुद्दा यह है सर कि नामकरण के हिसाब से किस वर्टेक्स को ए बोला जाए, किसको बी बोला जाए, किसको सी बोला जाए। तो जवाब दोगे कि भैया जी नामकरण किसने किया, हमने। तो जब नामकरण हमने किया है तो किस वर्टेक्स को क्या बोलना है ये भी हम ही डिसाइड करेंगे सर, यानी कि आप रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी बोल सकते हो। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली प्रिंस सर यहां पे इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता है, मुझे पता है सर कि ये जो थीटा है, ये थीटा मुझे अपने इस ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल मिलना ही मिलना चाहिए। कब मिलेगा सर, कैसे मिलेगा सर? तो कहोगे कि थीटा मेरे ट्रायंगल में एज एक्यूट एंगल तभी मिलेगा अगर या तो ये थीटा हो जाए या तो ये थीटा हो जाए। तो दो चॉइसेस आपके पास है, दोनों में से किसी को आप रैंडमली थीटा बना सकते हो। मान लो प्रिंस सर यहां पे बिल्कुल रैंडमली एंगल ए को थीटा बना देते हैं। अब जैसे ही टारगेट एंगल फिक्स हो गया तो PBH की कहानी भी फिक्स हो गई। मार्क करिए, क्या दोगे सर, 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। अब PBH की कहानी फिक्स करने के बाद अपने गिवन डेटा पे आ जाते हैं सर। तुरंत यहां पे कहोगे सर कि गिवन डेटा में ये जो साइन थीटा की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है, इसकी मदद से अपने ट्रायंगल के दो साइड्स हम पता कर लेंगे। फटाफट पता करते हैं। तो PBH के टर्म्स में साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस,
ये वैल्यू है 4/5 के बराबर। तो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन करके हम अपने ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ पता कर लेंगे, पता कर लेते हैं सर। तो कहोगे सर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 4k यूनिट्स। अगेन कहोगे सर कि मेरे इसी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की लेंथ हो जाएगी 5k यूनिट्स। हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो परपेंडिकुलर है 4k यूनिट्स, हाईलाइट कर लिया। हाइपोटेनियस है 5k यूनिट्स, इसको भी यहां पे हाईलाइट कर लिया। अब सर यहां पे अपने ट्रायंगल में रिमेनिंग साइड यानी कि बेस निकालना बचा। अब देखो सर अगेन आपका यहीं पे दिमाग चलना चाहिए कि 4-5 वाले पाइथागोरन ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए 3 आता है, यानी कि यहीं पे दिमाग चलना चाहिए था कि सर ये 3k यूनिट्स का होगा। ठीक है सर, अब इसी चीज को अच्छे से लिख लेना है। सर कैसे लिखेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से लिखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या दोगे सर? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालना क्या है सर? मुझे बेस निकालना है। डायरेक्टली बोल देंगे बी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं तो कहोगे बी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एच है आपका 5k, यानी कि हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस पी है सर आपका 4k, यानी कि हो जाएगा 4k का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे सर यहां पे तो 25k स्क्वायर माइनस यहां पे 16k स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई किया जाए सर तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9k स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 3k यूनिट्स। तो हमने अपने ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड बेस की भी लेंथ निकाल ली है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं सर, 3k यूनिट्स। तो पहले ही समझ में आ गया था सर कि ये 3k यूनिट्स आएगा ही आएगा। अब एक बार ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता चल गए, अब गधा घोड़ा हाथी कुछ भी पूछा जाए निकाल सकते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लो। तो अब यहां पे आगे प्रोसीड करने के लिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा कहानी को यहां पे, बिल्कुल ध्यान से। तो बोर्ड को क्लियर करने के बाद अपने एक्सप्रेशन पे चर्चा करते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कहोगे सर अब सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है सर यहां पे कि अपने एक्सप्रेशन को हम पीबीएच के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर लें फिर वैल्यू पुटिंग करें, और एक और मेथड ये हो सकता है कि एक्सप्रेशन के हिसाब से जो भी काम के टी रेशियोज मुझे चाहिए उनकी वैल्यू पहले पता कर लें उसके बाद पुट करके वैल्यू निकाल लें। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले मेथड नंबर 1 देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा है 4 tan theta माइनस 5 cos theta डिवाइडेड बाई sec theta, इसके बाद प्लस 4 cot theta। यही है सर, बिल्कुल यही है। तो पहले मेथड के हिसाब से पहले पूरी दुनिया को पीबीएच के टर्म्स में अच्छे से लिख लेते हैं फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे सर। तो पीबीएच के टर्म्स में बात की जाए तो तुरंत यहां पे आप बोल दोगे सर कि 4 into tan होता है सर परपेंडिकुलर बाई बेस, माइनस 5 into cos होता है सर बेस बाई हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई यहां पे sec होता है cos का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, प्लस 4 into cot होता है tan का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा b/p। ठीक है सर, यहां पे ये निकल के आ रहा है हमारे पास। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर यहां पे। तो अगर चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिख लें सर तो ये हो जाएगा 4p डिवाइडेड बाई आपका b माइनस यहां पे 5b डिवाइडेड बाई h होल डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा h/b प्लस यहां पे 4b/p। ठीक है सर, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे क्या कर लेते हैं सर, सीधे पुट कर दो, आसानी से सिंप्लीफाई होगा। एलसीएम लोगे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहीं पे सीधे पुट करेंगे सर। तो 4 into, ध्यान दीजिएगा p क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर p हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा सर 3k, इसके बाद माइनस 5 into b, b यानी कि बेस हो जाएगा सर आपका 3k डिवाइडेड बाई h हो जाएगा 5k होल डिवाइडेड बाई नीचे बात कर लेते हैं h हो जाएगा 5k डिवाइडेड बाई b हो जाएगा 3k प्लस 4 into b हो जाएगा आपका 3k डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा 4k। कहानी क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करिए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, यहां कैसे k गया, यहां कैसे k गया, यहां गया, यहां भी गया।
यानी कि सर अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद कहानी कुछ इस प्रकार आ रही है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कहानी कुछ ऐसी आ रही है सर कि यहां देखा जाए तो ये ऊपर में आ रहा है आपका 4 × 4 16/3 माइनस इधर आ रहा है सर 5 × 3 = 15/5। ठीक है सर, नीचे बात कर लेते हैं। नीचे आ रहा है सर 5/3 प्लस ये आ रहा है सर आपका, देखो 4 से 4 भी कट जाएगा यानी कि आपके पास 3 आ रहा है। अगेन यहां पे भी देखो 5 से 5 कट जाएगा यानी कि ये सिंपली हम सीधे सीधे यहां पे लिख सकते हैं 3। ठीक है सर, अब देखो यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। तो दिमाग में सीधे सीधे सिंप्लीफाई करके एलसीएम निकालिए तो कह दोगे सर कि 3 × 3 = 9, 16 - 9 क्या हो जाएगा, 16 - 9 = 7 हो जाएगा सर। तो ऊपर है 7/3, नीचे अगेन दिमाग में करते हैं सर 3 × 9, 9 + 5 = 14/3 नीचे आ जाएगा सर। दिमाग में ही सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको ओवरऑल अगर सिंप्लीफाई करें सर तो 7/3 / 14/3 यानी कि × 3/14, 3 से 3 गया 7 × 14 वैल्यू आ रही है 1/2 मेरे एक्सप्रेशन की। यही आपका फाइनल आंसर होगा, नोट डाउन करो, साइड हो जा रहा हूं। क्लियर है सर, मेथड नंबर 1 सभी को समझ में आ गया। मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। तो मेथड नंबर 2 पे बात करने के लिए अब मुझे अपने एक्सप्रेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे टी रेशियोज को पहले पता करना पड़ेगा सर। पता करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सारे टी रेशियोज को पता करना पड़ेगा सर, पहले पता कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे के सारे टी रेशियोज को। तो यहां पे सर मुझे टैन चाहिए, कहानी के लिए टैन निकाल लेते हैं। कह दोगे सर टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि ये निकल के आ जाएगा आपके पास 4k/3k, 4k/3k, के से के गया वैल्यू आ रही है 4/3। अब टैन के बाद निकाल लेते हैं कॉस, तो कॉस थीटा आ रहा है सर आपका बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि बी बाय एच, वैल्यू पुटिंग करते हैं सर। तो बेस आ रहा है आपका 3k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हो जा रहा है सर 5k, के से के गया वैल्यू आ रही है 3/5। और बताइए यहां पे सर, तो सेक निकालना। देखो सेक के लिए ज्यादा मेहनत आपको करनी है नहीं क्योंकि सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सीधे यहां से लिख देंगे 5/3। अगेन यहां से आगे बात की जाए सर तो कॉट चाहिए, कॉट के लिए भी मेहनत नहीं करनी है क्योंकि कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, आपने ऑलरेडी टैन निकाल रखा है सर। तो ये बन जाएगा आपका 3/4। तो जितने टी रेशियोज की जरूरत थी निकाल लिए, अब वैल्यू पुटिंग करते हैं सर। तो मेरा एक्सप्रेशन है 4 tan theta - 5 cos theta / sec theta + 4 cot theta। तो वैल्यू पुटिंग करें सर यहां पे तो कह दोगे 4 × tan theta निकाला है 4/3 माइनस 5 × cos निकाला है 3/5 डिवाइडेड बाय sec आपका आया है 5/3 प्लस 4 × cot आया है सर 3/4। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, कर लेते हैं सर। तो इसी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कह दोगे 5 से 5 गया 4 से 4 गया, ये यहां पे आ रहा है 16/3 - 3 डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 5/3 + 3। तो इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करें सर, दिमाग में ही करो। तो 9, 16 में से 9 गया 7 बचा 7/3 होल डिवाइडेड बाय यहां 9 + 5 = 14/3 आ जाएगा सर, जो कि अगेन आपका 1/2 ही आएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो। तो पहले मेथड से करना आपका होमवर्क रहेगा, दूसरे मेथड से मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन बना लिया है, देख लीजिए सर एक बार, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा देता हूं। तो कहानी कुछ ये है सर कि सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नामकरण किया, पूरी कहानी लिख के बताई। कंसीडर अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल डेट बी एंड एंगल ए बराबर थीटा, यानी टारगेट एंगल के बारे में भी शुरुआत में बताया। अब अपने गिवन डेटा को उठाया, ट्रायंगल के दो साइड्स पता कर लिए, उसके बाद पाइथागोरस की मदद से रिमेनिंग साइड भी पता कर लिया। अब अपने मेथड नंबर 2 के अंतर्गत जो भी टी रेशियोज मुझे चाहिए उनकी वैल्यू लाइन से निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 बोल दिया। ठीक है सर, अब इसी को क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पे ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, इसमें इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 की मदद से सारी वैल्यू पुटिंग की, सिंप्लीफाई किया, आंसर निकाला सर। क्लियर है कहानी, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, एक और धांसू सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी द रेशियो एबी टू एसी इज 1:√2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 2 tan a by 1 plus tan square a, नंबर 2 2 tan a by 1 minus tan square a। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन की कहानी पे जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। तो सर टाइप 2 में हमने अपने नॉर्मल वाली वैरायटी के बहुत सारे सवाल बना लिए। इन सवालों के एक्सपीरियंस से आप लोग मुझे ये बताइए सबसे पहले कि सर ये जो टाइप 2 की नॉर्मल वाली वैरायटी होती है इसमें गिवन डेटा क्या होता है, और ये भी बताइए कि ये जो गिवन डेटा होता है इसका काम क्या होता है। तो फट से कहोगे सर आपने बहुत आसान सवाल पूछे हैं, इतने सारे सवालों के सॉल्विंग के एक्सपीरियंस से हमें पता है सर कि इस टाइप के सिचुएशन में गिवन डेटा के रूप में सवाल हमें कोई एक पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड करता है। और सर आपका दूसरा सवाल था कि गिवन डेटा का काम क्या होता है, तो कहानी ये होती है सर कि गिवन डेटा में वो जो एक टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो एक टी रेशियो एक्चुअली में क्या है। तो आप कहोगे सर कि वो एक टी रेशियो एक्चुअली में मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो है। यानी कि सवाल हमेशा हमें अपने गिवन डेटा में दो साइड्स का रेशियो देता है, और वो जो रेशियो होता है सर उसी रेशियो को हम डिकोड करके अपने ट्रायंगल के दो साइड्स की लेंथ पता कर लेते हैं। सर सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो सर टाइप 2 में ही ना सवाल आपके साथ खेल सकता है। कैसे खेलेगा वो? तो वो आपको गिवन डेटा के रूप में टी रेशियो की वैल्यू ना बताकर सीधे सीधे ट्रायंगल के दो साइड्स की रेशियो भी बता सकता है। समझना, सवाल खेल सकता है। सवाल आपको गिवन डेटा में टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड ना करके सीधे सीधे ट्रायंगल के दो साइड्स की रेशियो भी प्रोवाइड कर सकता है। अब आपको लगेगा नया सवाल है सर, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन नया सवाल नहीं है, बात को घुमा के बोला है। क्योंकि अगर वो आपको कोई टी रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड करता सर, तो टी रेशियो एक्चुअली में आपके ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो ही होता है जिसकी मदद से आप अपने ट्रायंगल के दोनों साइड्स के बारे में पता कर लेते हो। अब सवाल ने यहां पे क्या किया, आपको टी रेशियो नहीं बताया, आपको उसने डायरेक्टली आपके ट्रायंगल के दो साइड्स की रेशियो बता दी। तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम आगे का काम जानते हैं, अभी भी हम बहुत इजीली अपने ट्रायंगल के दो साइड्स पता कर सकते हैं, और बाकी कहानी वही सेम टू सेम। तो हल्का सा सवाल ट्विस्ट होगा सर, बहुत सारे बच्चे अटक सकते हैं, लेकिन आप प्रिंस सर के स्टूडेंट हो, आपको अटकना नहीं है सर। तो उम्मीद करूंगा इस टाइप के सिचुएशन में नहीं अटकोगे, और ये इसी टाइप का सवाल है। अब यहां पे थोड़ा सा सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, सवाल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी पे चर्चा हो रही है, जहां पे हमें यह बता दिया गया है कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स बी पे क्रिएट हो रहा है। इसके साथ साथ यहां पे सवाल में हमें अपने ट्रायंगल के दो साइड्स के लेंथ का रेशियो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखो, अब यहां पे भी खेल छुपा है। क्या खेल छुपा है? तो रेशियो डायरेक्टली ए बाई बी बराबर 1/√2 होगा। इस तरीके से आपको रेशियो नहीं दिया डायरेक्टली, उसने लैंग्वेज के फॉर्म में रेशियो दिया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के फॉर्मेट को किस तरीके से अच्छे से रेशियो में चेंज करते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, कभी भी अगर लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरीके से रेशियो की कहानी बोली जाती है तो इसको पढ़ के तुरंत आपको समझना है कि इस चर्चा में जो पहले आया वो आपके रेशियो का न्यूमरेटर बनेगा, और चर्चा में जो बाद में आया वो आपके रेशियो का डिनोमिनेटर बनेगा। तो इस रेशियो के लैंग्वेज वाले रूल को याद रखना कि कभी भी रेशियो ऐसे आपको बोले द रेशियो इज a is to b इस तरीके से, या फिर सर a to b इस तरीके से बोले, तो तुरंत समझ जाना
कि चर्चा में जो पहले आया है वो न्यूमरेटर बनेगा, जो बाद में आया है वो डिनोमिनेटर बनेगा. सर बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा, कॉपी पे नोट करिए. बस इस लॉजिक को दिमाग में रखते हुए अगर अपने लॉजिक को सवाल में लगाए तो तुरंत कहोगे सर लैंग्वेज में ये जो रेशियो की कहानी गिवन है इसको आप डिकोड कर सकते हैं. बोल रहा है रेशियो ए बी टू ए सी, तो ए बी टू ए सी यानी चर्चा में ये पहले आया ये न्यूमरेटर बनेगा. अगेन कहोगे सर चर्चा में ये बाद में आया ये डिनोमिनेटर बनेगा. तो एक्चुअली मैं घुमा के मुझे यहां पे लैंग्वेज में ए बी बाई ए सी की वैल्यू बताई गई है. ये वैल्यू मुझे गिवन है सर 1:√2. अब ये जो 1:√2 लिखा है इसको यहां पे कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे सर 1/√2, क्योंकि ये जो a:b होता है इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या होता है सर, a/b होता है, बस वही किया. तो यहां पे लैंग्वेज के फॉर्म में ये वाली चीज हमें प्रोवाइड कर दी गई है. समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए. तो एक बार फिर से पढ़ते हैं सर. तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि सवाल के लैंग्वेज में एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी पे चर्चा हो रही है, जहां पे मुझे यह बता दिया गया है कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स बी पे क्रिएट हो रहा है. इसके साथ साथ मुझे अपने ट्रायंगल के दो साइड्स के लेंथ का रेशियो भी प्रोवाइड कर दिया गया है. अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे दो एक्सप्रेशंस की वैल्यू पूछ रहा है. सवाल सबसे पहले हमसे 2 tan a / 1 tan² की वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद सवाल हमसे 2 tan a / 1 tan² की वैल्यू पूछ रहा है. तो एक्सप्लेनेशन की कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और इसके साथ साथ यहां पे वैरायटी को टैकल कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया होगा. फटाफट काम पे लग जाओ. तो यहां पे अब सॉल्यूशन की कहानी देख लेते हैं सर, ध्यान से सुनना. तो सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से रैंडमली एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर लेंगे सर, क्रिएट कर लेते हैं. तो रैंडमली सिचुएशन के हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट कर लिया. बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की. तो पंडित जी ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नामकरण कर दिया है, ट्रायंगल एबीसी. अब मुद्दा यह है सर किस वर्टेक्स को ए बोले, किसको बी बोले, किसको सी बोले. तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज से क्लियर होता है सर कि वर्टेक्स पे प्लेसमेंट पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है. मुझे क्लियर हो रहा है कि वर्टेक्स की प्लेसमेंट पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है. क्या रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान से सुनना. तो बोला जा रहा है सर कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि बताया गया है कि मेरे ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल वर्टेक्स बी पे बनना चाहिए. तो सिचुएशन के हिसाब से तुरंत आप बोल दीजिएगा सर कि ये वाला वर्टेक्स बी होना चाहिए सर. ठीक. अब यहां पे ए और सी को कहां प्लेस करें सर, ए को यहां सी को यहां रखें या फिर ए को यहां सी को यहां रखें. तो कहोगे सर दोनों चॉइसेस में से आप कोई भी चॉइस अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मान लो रैंडमली प्रिंस सर यहां पे ए को यहां रख लेते हैं और सी को यहां रख लेते हैं. तो अब ट्रायंगल भी बना लिया, सिचुएशन के हिसाब से ट्रायंगल का नामकरण भी कर लिया. अब यहां पे हमें जो अपने एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है उनको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि उसी के अंदर आपके टारगेट एंगल है. तो दिख रहा है सर, दोनों को ही देख के दिख रहा है सर कि मेरा टारगेट एंगल है एंगल ए. तो मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो एंगल ए है ये मुझे अपने ट्रायंगल में एज टारगेट एंगल दिखना ही दिखना चाहिए. यानी कि सर यही मेरा टारगेट एंगल हो जाएगा. एक बार टारगेट एंगल मिल गया तो पीबीएच की कहानी भी फिक्स हो गई. तुरंत कह दोगे सर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, जो बच गया वो बेस हो जाएगा सर. ठीक है. अब ये करने के बाद फटाफट तरीके से अपने गिवन डेटा को एनालाइज करो. तो गिवन डेटा में आपको बताया गया है कि AB बाई AC की जो वैल्यू है ये वैल्यू 1/√2 के इक्वल है सर. तो हमने ऑलरेडी सीखा है सर कि कभी भी किसी रेशियो की वैल्यू बताई जाती है और मुझे उस रेशियो में इंडिविजुअली अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पूछी चाहिए होती है सर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी अगर मुझे कोई रेशियो की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है और मुझे उस रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग तरीके से वैल्यू चाहिए होती है, तो कैसे वेरिएबल के इस्तेमाल से वैल्यू निकालते हैं हमने ऑलरेडी सीखा है, बस उसी फंडे को लगाना है.
तो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन करके बोल देंगे सर कि मेरे ट्रायंगल में साइड ए बी की लेंथ हो जाएगी 1k यूनिट्स, जिसको सिंपली मैं के यूनिट्स बोल सकता हूं। अगेन कह दोगे सर डायरेक्ट कंपैरिजन से कि मेरे ट्रायंगल में साइड एसी की लेंथ हो जाएगी √2k यूनिट्स। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में यही कहानी पीबीएच के टर्म्स में करते थे। अगर आपको ऐसा दे दिया गया था सर पी बाई एच बराबर मान लो आपका बोल दिया गया 3/5, तो आप यही करते थे ना, आप यही तो चीज करते थे सर। यानी कि हमेशा ये नियम हर रेशियो के लिए याद रखना कि कहीं पे भी रेशियो की वैल्यू गिवन हो और आपको इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए होगी तो आप वेरिएबल के इस्तेमाल से वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही फंडा आपने यहां पे अप्लाई किया। अब ये करने से सीधे सीधे आपको अपने ट्रायंगल में दो साइड्स ए बी ए सी की लेंथ पता चल गई। हाईलाइट करिए सर, ए बी है आपका के यूनिट्स का, हाईलाइट कर लिया। अब कहोगे सर ए सी है आपका √2k यूनिट्स का, इसको भी हाईलाइट कर लिया। तो मुझे अपने गिवन डेटा की मदद से ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स की लेंथ पता चल चुकी है सर, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। तीसरी की भी लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस की मदद से। अब पाइथागोरस पे जाने से पहले एक मजेदार बात देखो सर, ये जो आपको रेशियो प्रोवाइड किया गया है ना गिवन डेटा में, ये इनडायरेक्ट तरीके से एक टी रेशियो की वैल्यू ही बताई गई है। समझिएगा, अगर इनडायरेक्टली सोचोगे एबी क्या है सर, एबी है आपका बेस। सर एसी क्या है, एसी है हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या जानते हैं सर, कॉस होता है। चर्चा वाला एंगल ए है यानी कॉस ए। तो समझना, ये छोटी छोटी चीज ना आपको पकड़ में आनी चाहिए, सवाल में ये छोटी छोटी चीजें सीखते रहो कि ये जो डायरेक्टली आपको गिवन डेटा दिया है ना साइड के रेशियो के टर्म में, एक्चुअली इसने ना थोड़ा सा घुमा के आपको कॉस ए की वैल्यू ही बताई थी सर। ये छोटी सी चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए थी। ठीक है सर, मुद्दे पे लौटते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से रिमेनिंग साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। तो मुझे पी की लेंथ चाहिए सर, तो डायरेक्टली लिख देता हूं पी बराबर स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करते हैं सर, तो एच है आपका √2k इसका स्क्वायर माइनस बेस है आपका के यूनिट्स इसका स्क्वायर। तो ये यहां पे हो जाएगा सर आपका 2k² - k² सिंप्लीफाई कर लेंगे सर तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट के अंदर k² यानी कि अल्टीमेटली के यूनिट्स। अल्टीमेटली कह दोगे सर के यूनिट्स। तो आपने यहां पे क्या कैलकुलेट कर लिया है, आपने यहां पे अपने ट्रायंगल में साइड पी यानी कि परपेंडिकुलर की लेंथ कैलकुलेट कर लिया सर। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं के यूनिट्स। ठीक है सर, कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक और छोटी सी बात सिखा रहा हूं, आगे याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगी। कभी भी ये चीज ऑलरेडी 9th में मैंने आपको पढ़ाई है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होता है, देखो ये लेंथ इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस भी हो गया। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी होता है, यानी कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है कि उसके तीन में से दो साइड्स इक्वल हैं, तो सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे सर। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि एंगल्स के सम 180 डिग्री आएगी, तो सर ये भी 45 डिग्री आता है, ये भी 45 डिग्री आता है। ये चीज ऑलरेडी 9th में आपको सिखाई है सर कि अगर मान लो तुम थीटा मान लोगे तो θ + θ + 90 = 180, तो 2θ + 90 = 180, 2θ = 90, θ = 45 डिग्री। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है सर, तो एक्यूट एंगल हमेशा 45 डिग्री के बराबर होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे इस चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज करने वाले हैं सर, इसको भी नोट डाउन कर लो। और ये ऐसा फिगर है सर, क्लियर है। अब फिर से मुद्दे पे लौटते हैं। तो यहां पे सर अब मुझे अपने ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई। अब गधा घोड़ा हाथी कुछ भी पूछे इजिली निकाल सकते, पहले इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, अब यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। तो अब कहोगे सर कि सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि जो आपके गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनकी कहानी को आप पीबीएच के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, लास्ट में सीधे वैल्यू पुट करके निकाल लेना। एक तरीका यह भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लो कि एक्सप्रेशन में कौन कौन से टी रेशियो आ रहे हैं, उनकी वैल्यू पहले अलग से निकाल के लिख लो, फिर बाद में पुट करना। तो दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1, तो पहला एक्सप्रेशन अगर उठाया जाए
तो ये है यहां पे 2 tan a by 1 plus tan square a, ठीक है सर। तो यहां पे अगर मैं PBH की कहानी के टर्म में पुट कर दूं सर, तो क्या दोगे, 2 into tan क्या होता है, perpendicular by base divided by 1 plus perpendicular by base का whole square। सिंप्लीफाई अगर किया जाए सर तो क्या दोगे, 2P by b whole divided by, देखो दिमाग में डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं सर, इस चीज को सिंप्लीफाई करके दिमाग में एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा b square plus p square divided by नीचे b square। सही बात की नहीं, बिल्कुल सही बात सर। अब अगेन आपकी खोपड़ी चलनी चाहिए क्या, ध्यान से सुनना। तो ऊपर है 2p by b और नीचे आपकी खोपड़ी चलनी चाहिए कि सर एक बच्चा ऐसा होगा जो कि p की वैल्यू b की वैल्यू पुट करेगा, स्क्वायर करेगा, फिर ऐड करेगा, एक और बच्चा होगा मेंटोस जिंदगी वाला, वो कहेगा कि अरे यार p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो h स्क्वायर के बराबर होता है, सीधे इसके बदले h स्क्वायर डाल देता हूं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अगेन ये छोटी छोटी चीजें पकड़ में आनी चाहिए, बाई आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2p by b divided by this, यानी इसी चीज को लिख सकते हैं into b square by h square। अब एक b से एक b कटा, आपके पास आ रहा है 2 into p into b divided by h square। अब value putting करते हैं सर, तो 2 into perpendicular कितना है सर k, into base कितना है ये भी k, by h square दिमाग में कर रहा हूं सर, root 2 का square 2 into k का square k square हो गया सर, तो k k k square खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, value आ रहा है 1। तो इस वाले expression की value 1 के बराबर आ रही है, फटाफट note down कर लीजिए, फटाफट note down करिए। Clear है कहानी, बिल्कुल clear होनी चाहिए। इसी चीज को method number 2 से भी solve करके देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो method number 2 से solve करेंगे, तब कैसे solve करेंगे, तो कहोगे सर अगेन सिंपल है, एक्सप्रेशन के हिसाब से देख लीजिए कि कौन कौन से टी रेशियो की जरूरत है और पहले ही उन टी रेशियो की वैल्यू निकाल के रख लीजिए। तो कहोगे सर एक्सप्रेशन के हिसाब से मुझे सिर्फ और सिर्फ टैन की वैल्यू चाहिए, तो टैन ए पहले ही निकाल के रख लेते हैं, टैन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू पुटिंग करेंगे सर तो यह बन जाएगा के यूनिट्स बाई के यूनिट्स, के से के गया, वैल्यू आ रही है 1, यानी कि टैन ए की वैल्यू है 1। पुट करते हैं सीधे सर यहां पर, तो 2 into 1 divided by 1 plus 1 का square, यानी कि सर ऊपर हो गया 2, नीचे 1 का square 1, 1 plus 1 2, 2 से 2 गया सर, अगेन देखो यहां से भी value 1 के बराबर आ रही है, फटाफट note down करो। आप दोनों में से किसी भी method से solve कर सकते हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, next वाले expression पे आते हैं सर, अगेन समझना यहां पे, अगेन समझना सर, next वाले expression पे आते हैं, ध्यान से कहानी को सुनिएगा, important कहानी है, ध्यान से सुनिएगा सर। तो नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन पे अगर आ जाएं सर, तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। अगेन सॉल्व करने के दो मेथड, सबसे पहले मेथड नंबर 1, पूरी कहानी पीबीएच के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 into p by b divided by 1 minus p by b का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करें तो 2p by b होल डिवाइडेड बाय, डायरेक्टली एलसीएम लिख के दिमाग से लिख रहा हूं सर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका b स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं सर, तो ये हो जाएगा आपका 2p by b डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि इनटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर है कहानी, होनी चाहिए सर। तो एक b से एक b कट गया, आपके पास आ रहा है 2 into p into b डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है सर। अब करते हैं वैल्यू पुटिंग, तो 2 into p कितना हो जाएगा, कह दोगे सर k यूनिट्स, into b कितना हो जाएगा सर, ये भी k यूनिट्स, डिवाइडेड बाय नीचे b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा पहली बार आपके साथ, ध्यान से सुनना, b स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस p स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी k स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये आ रहा है सर 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0। क्या किया जाए सर, क्या हो गया यहां पे सर, मतलब पूरी गणित अब दिमाग में हिल गई है मेरी, ये क्या आ गया सर। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में अगेन ये जो सीखने वाले हो ये आपको 11th 12th में मैथ्स में बहुत मदद करेगा। देखो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है p by q फॉर्म में, तो सभी को याद है सर रैशनल नंबर की डेफिनेशन,
सर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बार बार बोलते थे। तो क्यों ऐसा बोलते थे सर? अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो जाए, अगर a बाई जीरो इस टाइप का कुछ आ जाए सर, तो क्या दिक्कत है इसमें? अब देखो दिक्कत बहुत सारी है। दिक्कत यह है सर कि मैथमेटिक्स में कभी भी किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो होता है ना, तो उसके लिए मैथमेटिक्स बनी ही नहीं है। क्या याद रखोगे? अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो अभी तक उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई मैथमेटिक्स बनी ही नहीं है, क्योंकि इस चीज में आगे जाके हम 11 12th में सीखेंगे सर की बड़ी दिक्कत होती है। तो मैथमेटिक्स में याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए ना, तो वो चीज डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में, वो चीज मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। तो इसके बदले हम अनडिफाइंड लिखते हैं। इसको फट से अपने कॉपी पे पहले नोट डाउन करो, एक बहुत बेहतरीन सवाल जिसमें एक ही सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जल्दी से नोट डाउन करो। तो याद रखना सर कि मैथमेटिक्स में कभी भी किसी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स बनी ही नहीं है सर, वो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड होता है। बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी होता है, उन टीचर्स की बात मत सुनना, वो इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी कुछ और होता है, अगेन आपको जरूरत पड़ने पे बताऊंगा सर, ठीक है? तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, मैथमेटिक्स में वो चीज अनडिफाइंड होती है, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, मैथमेटिक्स में वो चीज अनडिफाइंड होती है। तो सिंपल सा यहां पे हम अनडिफाइंड लिख देंगे सर। और अभी आगे जाके जब हम अपना टी रेशियो का टेबल देखेंगे, वहां पे भी हमें अनडिफाइंड मिलेगा, पेशेंस रखिए सर। ये कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे अपने फर्स्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ रही है इसकी अनडिफाइंड, ठीक है सर? आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे इसी चीज को अपने सेकंड वाले मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो इसी चीज को अपने सेकंड वाले मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। तो सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो बोल दोगे सर कि उसके लिए मुझे पहले tan a चाहिए, tan a निकाल के रख लेते हैं सर, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू पुटिंग करेंगे सर तो p बाय b हो जाएगा k बाय k, यानी कि सिंपली 1। तो वैल्यू पुट करते हैं सर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 बाई 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, अगेन यहां से भी दिख रहा है सर अनडिफाइंड बोल देंगे, ठीक है? फटाफट इसको अच्छे से नोट डाउन करना, साइड हो जा रहा हूं। तो कहानी सभी को क्लियर हुई, समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए, एक ऑसम सवाल जहां एक ही सवाल में बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और इस सवाल के साथ अपने लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं सर, और भी रिमेनिंग सवाल और भी वैरायटीज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में यहां पे जानेंगे। उम्मीद करूंगा लेक्चर में मजा आया, आपने चीजों को एंजॉय किया। तो यहां पे सर ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसका पहले प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये होगा सर प्रॉपर प्रेजेंटेशन, सबसे पहले आपने सिचुएशन के हिसाब से ट्रायंगल बनाया, वो आपने ड्रॉ किया, ट्रायंगल के बारे में लैंग्वेज में बताया, गिवन डेटा को एनालाइज करके ट्रायंगल के दो साइड्स निकाले, पाइथागोरस से रिमेनिंग साइड भी निकाला। अब मैंने मेथड नंबर 2 यहां पे इस्तेमाल किया है, तो जरूरत के हिसाब से आपने टैन निकाला, और टैन निकालने के बाद आपने अपने दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। तो मेथड नंबर 2 से मैंने यहां प्रेजेंटेशन आपको दिखाया, 1 से दिखाना आपका होमवर्क रहेगा। पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो प्रेजेंटेशन का, साइड हो जा रहा हूं, इसका भी ले लो, ठीक है सर? तो मेथड नंबर 1 के साथ प्रेजेंटेशन करके दिखाना आपका होमवर्क रहेगा। और ये भी होमवर्क रहेगा सर कि आज के लेक्चर पे बेस्ड अपने आर एस अग्रवाल सर की बुक खोलिएगा, जो भी सवाल लगे सर पढ़ाए गए पैटर्न के हैं उनको सॉल्व करिएगा, कहीं अटको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो लेक्चर में उम्मीद करूंगा मजा आया होगा सर, बिल्कुल फील आई होगी, बिल्कुल मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया है सर तो लेक्चर को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बताइए कोई ऐसे मैथ्स के फैकल्टी हैं जो कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। यार मैं देखता हूं कि तुम लोग यार वीडियो शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों को बताते नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने अच्छे मैथ्स के टीचर है मैं अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा। ये मत करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये हमेशा याद रखना। तुम दोनों दोस्त एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, उसके बाद एक ही साथ IIT में जाओगे या मान लो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो तुम्ही को अच्छा लगेगा ना कि भैया दोस्ती कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो दोस्तों को भी बताइए कि एक ऐसे टीचर हैं जो कि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा शेयर करिए सर, तभी तो वीडियोस पे व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है? तो सर इसके साथ आज के लेक्चर की कहानी को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।